भारत के चंद्र मिशन पर इसरो ने कर दिया धमाकेदार ऐलान। जो किसी ने नहीं सोचा उस पर है भारत के इसरो का फोकस। सफल रहा इसरो का चंद्रयान 3 मिशन तो मालामाल हो जाएगा भारत। दोस्तों, आखिरकार इसरो ने वो बड़ा ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार 7 दिसंबर 2019 से पूरे मुल्क को था। मतलब इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ा अपडेट दे दिया है जो करोड़ों भारतीयों को बाग बाग करने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जो सबको हैरान कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और चीन ये सोचने के लिए परेशान हो उठे हैं कि जो वो काम नहीं कर पाए वो अब इसरो करने वाला है। यकीन माने दोस्तों, पूरा देश इसरो के किसी भी बड़े रिस्की टास्क वाले ऐलान का इंतजार कर रहा था और वो इसरो ने अब कर दिया है। इस खबर ने सबसे ज्यादा तो चीन और रूस को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि चांद पर भारत जो इस महीने करने वाला है वो भारत से पहले रूस और चीन कर लेना चाहते थे। यानी कि भारत का मिशन सफल हो गया तो भारत ना केवल स्पेस का सुपर पावर बल्कि आर्थिक रूप से भी मालामाल हो जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए इसरो ने एक बार फिर एक बड़े अपशगुन के बावजूद अपने मिशन को आगे बढ़ा दिया है। तो सवाल ये बनता है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, इस मिशन में कितनी लागत आने वाली है और आखिर चंद्रयान 3 चांद पर क्या कुछ खास करने वाला है। इसरो के मिशन जुलाई के अंदर ही सबसे ज्यादा क्यों फेल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आखिर जुलाई में ही मिशन की लॉन्चिंग की खास वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये तमाम बातें मैं बताने वाला हूं जो आपने अब तक शायद नहीं जानी होंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि भारत का चंद्रयान मिशन 13 जुलाई को दोपहर 2:30 पर लॉन्च होने वाला है। इसरो ने कहा है कि यान पूरी तरह तैयार है, सारे के सारे टेस्ट हो चुके हैं और अब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने को बेताब है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतार चुके हैं। भारत के लिए प्लस पॉइंट यह है कि रूस ने अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। रूस ने ऐसा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एडिशनल चेक्स को पूरा नहीं होने की वजह से किया है। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों, साल 2022 में भी रूसी मिशन को दिक्कतों की वजह से टाल दिया गया था। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चांद पर उतरने का मौका है। और दोस्तों, इसरो ने स्पेस मिशन को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार कर लिए हैं जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में मॉड्यूल कहते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन में मॉड्यूल के 3 पार्ट हैं। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक और हिस्सा था जिसे ऑर्बिटर कहते हैं। वो इस बार नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सही सलामत है और अब इसरो उसका इस्तेमाल ही चंद्रयान 3 के लिए करने वाला है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो इसरो दुनिया को बता रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ और भी अलग बातें हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी और इससे भारत मालामाल भी हो सकता है। इसके लिए इसरो खास 5 सीक्रेट उपकरण भी भेजने वाला है जिनको 5 पांडव कहा जा रहा है। इन उपकरणों के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि इसरो का ये चंद्र मिशन एक बार फिर से चांद के उसी इलाके में लैंड होगा जिसको लेकर के दुनिया अब तक बिल्कुल अनजान है। क्योंकि दोस्तों, ये इलाका अकूत खजाने का भंडार है जिसे खोदने की जहमत न अमेरिका उठा पाया और न ही चीन वहां पर उतर पाया, और रूस ने इस मामले में तो जहमत भी नहीं उठाई। लेकिन दोस्तों, इस इलाके के बारे में जो कुछ और भारत के इस प्लान के बारे में जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो सुन करके आप भी रोमांचित हो उठेंगे। क्योंकि दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक उस प्लान को आगे बढ़ा चुके हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, इसरो ने अपने पहले मिशन यानी चंद्रयान मिशन के जरिए चांद पर पानी खोज लिया था। उसके बाद दूसरे मिशन में ऑर्बिटर ने हीलियम 3 और सोलर विंड्स पर बड़े संकेत दे दिए थे और अब चंद्रयान 3 चंद्रमा को इलेक्ट्रिक हाउस यानी कि पावर हाउस बनाने वाला है जो चंद्रमा का 54% हिस्सा रोशन कर देगा। और अगर हम वहां से धरती पर बिजली लाने में कामयाब हो गए तो ये दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बड़ी बात तो ये है कि ये बिजली हमें 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिल जाएगी। दोस्तों, साल 2020 के अंदर ही इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन ने कहा था कि चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा की खोज कई देश कर रहे हैं। जिन देशों के पास इसे खोजकर धरती पर लाने की क्षमता है
वो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे हैं। भारत इस प्रक्रिया में दुनिया के देशों के साथ में नहीं चलना चाहता, बल्कि भारत उनका नेतृत्व करना चाहता है। भारत के चंद्र मिशन के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना पूरा का पूरा फोकस चंद्रमा से मिलने वाली एनर्जी पर कर डाला है। चांद पर सोलर के साथ ही परमाणु ऊर्जा की खोज में जुटे वैज्ञानिकों का शोध अगर पूरा हुआ तो दुनिया की अगले 250 सालों तक की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यानी दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा पर ऐसे बिजली घर की तलाश में हैं जिसके मिल जाने के बाद पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन किया जा सकेगा। चंद्रमा को लेकर के भारतीय वैज्ञानिकों का यह अनुसंधान दुनिया में अपनी तरह का अनोखा है। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा के अपोलो मिशन से ये साबित हो चुका है कि चंद्रमा पर हीलियम 3 के अपार भंडार मौजूद हैं, और ताजा रिसर्च में भी ये बात सामने आ चुकी है कि चांद पर बड़े पैमाने पर हीलियम 3 छुपी हुई है, और इसलिए दुनिया के कई देश इसके पीछे भाग रहे हैं। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर हीलियम 3 का 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का भंडार है। हालांकि दोस्तों, इसमें एक चौथाई मात्रा ही धरती पर लाई जा सकती है, लेकिन उससे भी धरती पर 2 या 3 सदियों तक के लिए ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। दोस्तों, इसकी असली ताकत आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 चम्मच हीलियम 3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, लिहाजा ये बहुत ज्यादा कीमती है। 1 टन हीलियम 3 की अनुमानित कीमत ही करीब 5 अरब रुपए तक पड़ती है। अब दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 लाख टन हीलियम 3 की कीमत अरबों खरबों रुपए तक जा सकती है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम 3 परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित स्रोत है। मतलब दोस्तों, परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले दूसरे रासायनिक तत्वों की तुलना में ये रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी इसके अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनते हैं, लिहाजा ये मानव के लिए सबसे सुरक्षित है। इतना नहीं, हीलियम 3 के अलावा भी चांद पर अरबों डॉलर के खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं, जहां सोने और प्लेटिनम का भंडार सतह के नीचे दबा हुआ है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाले कई दूसरी धातुएं जैसे कि टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी वहां पर प्रचुर मात्रा में है। इसके साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि चंद्रमा पर कई ऐसी दुर्लभ धातुएं भी मौजूद हैं जो अगली पीढ़ी को इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्ति प्रदान कर सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इन तमाम खोजों के लिए इसरो कौन से उपकरण भेज रहा है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर 5 पेलोड से लैस होने वाला है, जिनको 5 पांडव कहा जा रहा है। इनमें पहला है सी हैंड्रो सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी CESTE, जो दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर तापीय गुणों का मापन करेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यानी ILSA, जो लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता की मापना करेगा। तीसरा है लैंगमुई प्रोब, जो प्लाज्मा घनत्व का अनुमान लगाएगा। तो वहीं चौथा है लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो चंद्रमा की गतिशीलता को समझने में मदद करेगा। तो वहीं पांचवा है मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जो चांद के वातावरण की स्टडी करेगा। और दोस्तों, इसरो ने इस बार कुछ ऐसा किया है कि किसी भी सूरत में चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड करके ही रहेगा, और इसरो का मकसद भी है इसे सुरक्षित लैंड करवाना। इसके लिए इसरो ने बहुत नई तकनीक डेवलप की है। इस बार नए उपकरणों, बेहतर एल्गोरिदम और फेलर मोड पर फुल फोकस किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर प्रोग्राम्स पहले से ही ऑटोमेटिक हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कामों में इसकी मदद करने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV लगाया गया है, जो इसकी लैंडिंग को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। हालांकि दोस्तों, इसी बीच एक बात सबको खटक रही है, और वो ये कि जुलाई और अगस्त का महीना हमेशा से ही इसरो के लिए अपशगुन वाला रहा है, तो आखिर इसे ही इसरो ने क्यों चुना है? क्योंकि इसी दौरान सक्सेस रेट बहुत ही कम रहती है। इसरो ने 1975 से लेकर के अब तक जुलाई महीने में 11 लॉन्चिंग की हैं, तो अगस्त में 8 लॉन्चिंग की हैं, लेकिन इन दोनों ही महीने में 3-3 लॉन्चिंग बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। इसरो को जनवरी, फरवरी, मई, अक्टूबर और नवंबर में लॉन्चिंग करने पर 100% सफलता हासिल हुई है, तो वहीं मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर और दिसंबर में इसरो को करीब 90% सक्सेस गेन हुई है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बातों के बीच इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को ही लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, जुलाई के अपशगुन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ये इसरो के लिए कभी भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि आज से 13 साल पहले यानी 13 जुलाई 1988 को इसरो ने SROSS की लॉन्चिंग की थी, जो फेल हो गई थी, और भारत का चंद्रयान 2 भी जुलाई के अंदर ही लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, इसरो एक बार फिर से वही रिस्क ले लेना चाहता है।
इस मामले में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हमने चंद्रयान 2 में बहुत सारी गलतियां कर डाली थी, लेकिन इस बार हमने उन गलतियों को बिल्कुल ठीक कर लिया है और उनसे सीख ले ली है। चंद्रयान 3 मिशन में दोस्तों काफी सारा पैसा लगा है। मीडिया रिपोर्ट की अगर हम माने तो इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च 1000 करोड़ के पार का है। इसमें चंद्रयान 3 करीब 615 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। इसके लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस यान की लॉन्चिंग में ही करीब 365 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। अगर इसे चंद्रयान 2 से कंपेयर करें तो इसकी लागत थोड़ी सी ज्यादा है। चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उसमें इसरो ने यान और अंतरिक्ष मिशन पर 603 करोड़ रुपए लगाए थे, जबकि 375 करोड़ रुपए इसकी लॉन्चिंग की लागत आई थी। हालांकि दोस्तों लागत की बात करें तो इसरो इस मामले में दुनिया का बेताज बादशाह है। दरअसल दोस्तों स्पेस प्रोग्राम्स पर दुनिया के देश तेजी से खर्चा बढ़ाने में लगे हैं। बीती साल की बात करें तो ये 103 अरब डॉलर को पार कर चुका है और आने वाले वक्त में ये 600 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। दोस्तों दुनिया के टोटल स्पेस प्रोग्राम्स में अकेला अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है। उसने पिछले साल 62 अरब डॉलर खर्च किए, तो अमेरिका के बाद करीब 12 अरब डॉलर चीन ने खर्च किए थे, तो वहीं रूस ने 3.4 अरब डॉलर इस काम में लगाए। लेकिन भारत की बात करें तो भारत ने करीब 2 अरब डॉलर ही इस काम में लगाए हैं, मतलब कि भारत ने अमेरिका से करीब 30-31 गुना कम खर्च किया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत स्पेस प्रोग्राम में तेजी से ग्रोथ कर रहा है। भारत का स्पेस प्रोग्राम करीब 6 दशक पुराना है और हमारा स्पेस प्रोग्राम 1969 में अस्तित्व में आया था, लेकिन तब से लेकर के अब तक यानी कि पिछले 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर डाले हैं और अब तो निजी भागीदारी के रास्ते भी खुल चुके हैं। आज इसरो लगभग 150 निजी स्टार्टअप्स के साथ में काम कर रहा है। अब तक इसरो 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 91 लॉन्च मिशन, 15 स्टूडेंट मिशन, 2 री एंट्री मिशन, 3 भारतीय प्राइवेट सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। दोस्तों इसरो ने देश के लिए कुल 123 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसमें संचार से लेकर के डिफेंस, आपदा प्रबंधन, मौसम, इंटरनेट और एजुकेशन से जुड़े सैटेलाइट्स हैं। और दोस्तों इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एजेंसी इसरो बन चुकी है, जो कमर्शियल स्पेस लॉन्चिंग के अंदर बादशाहत रखती है।